वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका क्रिस्टल कार्स की एक और नई वीडियो में। आज हमारे पास है हुंडई की छोटी सी फैमिली कार यानी इओन। तो अगर आप एक पुरानी गाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो क्या आपको इओन के लिए जाना चाहिए, इओन आपकी उस लिस्ट में होनी चाहिए कि नहीं, इस बारे में डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। यानी इसके प्लस और माइनस पॉइंट्स की बात करते हैं, क्या इसमें प्लस पॉइंट हैं और क्या माइनस पॉइंट्स हैं, वो सारे आपको इस वीडियो में आपको बताते हैं। ये इओन का एरा प्लस मॉडल है। लुक तो अगर आप बात करें एक्सटीरियर तो काफ़ी अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक है, यानी अच्छी क्वालिटी है उसके हिसाब से देखें तो, क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लुक जो है वो काफ़ी अच्छे हैं और एक परफेक्ट सेडान ही है देखने में, लुक वाइज तो ज़्यादा वो नहीं है और वैसे ओवरऑल थोड़ी छोटी सी लगती है। और बात अगर इंटीरियर की करें तो फिर इसका इसके कंपैरिजन की जिन गाड़ियों की आप बात करें यानी अल्टो, अल्टो 800, इनसे फिर पुराने वाले मॉडलों से तो कोई कंपैरिजन नहीं है। ड्यूल टोन के अंदर जो इसका डैशबोर्ड और इंटीरियर आप देख ही सकते हैं, बहुत बढ़िया है। और बैक साइड भी जो है लेग रूम हेड रूम भी ठीक ठाक है। पीछे तीन लोग तो नहीं लेकिन दो बड़े लोग आराम से बैठ सकते हैं, एक छोटा बच्चा बैठ सकता है। पीछे का लुक आप देख ही सकते हैं, बहुत बढ़िया है। उसमें इसका कोई कंपैरिजन नहीं है किसी भी नॉर्मल यानी अल्टो अल्टो 800 वगैरह से। बिल्ड क्वालिटी जैसे कि बताया ठीक ठाक है। हाँ, एवरेज इसके अंदर एक मायने रख सकती है कि एवरेज इसकी अल्टो अल्टो 800 से थोड़ी कम है। और फोग लाइट के लिए आप देख सकते हैं आगे इसमें कोई परफेक्ट जगह नहीं दे रखी है, वैसे ही आपको कोई बाहर से जुगाड़ टाइप लगानी पड़ती है जो LED टाइप आती हैं वो वाली। वैसे ओवरऑल गाड़ी परफेक्ट है लेकिन गाड़ी थोड़ी सी इनसे सेल कम हुई है तो जिस वजह से इसका थोड़ा मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो थोड़ा आप ज़्यादा ऐसा कह सकते हैं। रिम और टायर आप देख सकते हैं वही 12 इंच का है जो अल्टो अल्टो 800 में आता है, तो वो भी सेम है, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं है। और इंटीरियर जो है वो तो अपने आप में बहुत बढ़िया है। जहाँ अल्टो में आप देखें तो आपको एक सिंपल सिंगल डिन की जगह मिलती थी, इसमें आप डबल डिन की जगह कंपनी से ओरिजिनल मिलती है। और उसके बाद इस गाड़ी में 9 इंच का एंड्रॉयड लगा रखा है तो वो आपको पूरी फैसिलिटी इसमें मिल जाती है। और आप अगर देखें तो इसमें जहाँ अल्टो के अंदर 4 इंच की स्पीकर की जगह थी, गत्तों में जगह ही नहीं थी, वहाँ इसके अंदर उस टाइम पे भी इसके 6 इंच की जगह इसके गत्तों में दे रखी थी, जो इसके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और अगर बात करें इसकी सीटों की तो उनका जो कंफर्ट लेवल है वो बहुत गजब का है। यानी आपको अल्टो अल्टो 800 से तो आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, ये प्राइस रेंज की वजह से कंपैरिजन कर रहे हैं। और जो स्पेस है वो अपने आप में बहुत अच्छा दे रखा है इसके अंदर। ड्यूल कलर जो है डैशबोर्ड वगैरह वो भी बढ़िया है, नीचे भी स्पेस है, ऊपर भी स्पेस है, आगे आपको एंड्रॉयड तक लगाने के लिए स्पेस मिल जाता है, 6 इंच के स्पीकर मिल जाते हैं और साइड में भी आपको पूरी जगह मिल जाती है साइड के गत्तों में भी। ओवरऑल अगर बात करें तो गाड़ी अगर एक छोटे परिवार के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया है। बस एक दो जगह पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, यानी थोड़ी एवरेज अल्टो अल्टो 800 से थोड़ी कम होगी और उसके अलावा थोड़ी मेंटेनिंग जो कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट है जो वो थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन उसके आपको प्लस पॉइंट भी काफ़ी मिल जाते हैं इस वजह से।